नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार, हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि तोते की तस्वीर को घर या दफ्तर में लगाने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। पुराने समय से ही दोस्तों तोते का महत्व अनेक सभ्यताओं में पाया जाता है। कुछ सभ्यताओं के अनुसार तोते को प्रेम, वफादारी और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, तो कुछ में तोते का दिखना लंबी आयु का प्रतीक होता है। दोस्तों, तोता एक ऐसा पक्षी है जो चंचल, चालाक, बुद्धिमान और मित्र प्रकृति का पक्षी होता है। यह बहुत ही जल्दी किसी भी चीज़ को सीख लेता है। यह जो भी सुनता है उसे आसानी से मन ही मन जब बोलकर दोहराता रहता है और उसे याद कर लेता है। इसके अलावा इसकी आवाज़ और दूसरों की नकल करने की कला और योग्यता भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, तोते के इन ढेर सारे गुणों के कारण वास्तु और फेंगशुई में भी तोते को बहुत महत्व दिया जाता है और इसकी मूर्ति या तस्वीर को घर या दफ्तर में लगाना शुभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तु और फेंगशुई के अनुसार तोते की मूर्ति या तस्वीर को घर या दफ्तर में लगाने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। वास्तु के अनुसार दोस्तों, व्यापारियों, दुकानदारों या बिजनेसमैनों को अपनी उन्नति और सफलता के लिए अपनी दुकान या दफ्तर की उत्तर दिशा में एक हरे रंग के तोते की मूर्ति या तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों, इसका कारण यह है कि वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर जी को माना जाता है, जबकि इस दिशा का प्रतिनिधि ग्रह बुध को माना गया है। कुबेर जी धन के देवता हैं और बुध ग्रह बुद्धि, ज्ञान, व्यवहार और व्यापार के कारक ग्रह हैं। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा दोषपूर्ण होने से व्यक्ति की बुद्धि प्रमित या खराब होती है, जिससे व्यक्ति की सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। सही समय पर निर्णय ना लेने के कारण व्यक्ति की आर्थिक उन्नति में बाधा आती है। इसलिए दोस्तों, दुकानदारों या बिजनेसमैनों को अपनी दुकान या दफ्तर में उत्तर दिशा के दोष को मुक्त रखने के लिए उत्तर दिशा में एक हरे रंग के तोते की मूर्ति या तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों, इसका कारण यह है कि बुध ग्रह को हरा रंग और हरे रंग का पक्षी यानी तोता बहुत प्रिय है। इसलिए इस दिशा में हरे रंग के तोते की तस्वीर लगाने से इस दिशा का दोष दूर हो जाता है और बुध ग्रह का शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। इस दिशा में इस तस्वीर को लगाने से व्यापारी को व्यापार में उन्नति के नए नए विचार आते हैं। उसकी बुद्धि पहले से भी ज़्यादा तेजी से काम करती है। उन्हें अपनी क्षमताओं के अनुसार पूर्ण लाभ मिलता है। इसके संबंध में ऐसा माना जाता है कि दुकान या दफ्तर की उत्तर दिशा में तोते की एक मूर्ति या तस्वीर लगाने से उस स्थान के स्वामी पर बुद्ध और कुबेर देवता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और उस व्यक्ति का धन और ज्ञान बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी अपने बिजनेस या व्यापार में उन्नति और सफलता मिले, तो आपको भी अपनी दुकान या दफ्तर की उत्तर दिशा में एक तोते की मूर्ति या तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों, तोते की तस्वीर बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए भी घर की उत्तर दिशा में लगानी बहुत शुभ मानी जाती है। दोस्तों, जिन बच्चों का मन बहुत चंचल रहता है, जो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते या जो बच्चे अपनी पढ़ाई से जी चुराते हैं, तो ऐसे बच्चों को कमरे की उत्तर दिशा या घर की उत्तर दिशा में एक हरे रंग के तोते की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तु के अनुसार घर की उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगाने से बच्चों की पढ़ाई में धीरे धीरे रुचि तो बढ़ती ही है, इसके साथ ही उनकी याददाश्त भी तेज होती है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि उत्तर दिशा बुध ग्रह की दिशा है, जो ज्ञान, बुद्धि और दिमाग के कारक माने जाते हैं, और हरा रंग और हरे रंग का पक्षी यानी तोता उनका प्रिय होता है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर हरे रंग का तोता होता है, वहाँ पर ज्ञान भी विराजमान होता है। इसलिए दोस्तों, तोते की तस्वीर बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए भी घर की उत्तर दिशा में लगानी बहुत शुभ मानी जाती है। चीन के वास्तु फेंगशुई के अनुसार दोस्तों, तोते के रंग बिरंगे पंखों वाली तस्वीर घर में पांच तत्वों के संतुलन को स्थापित करने में मददगार साबित होती है। इसके संबंध में ऐसा माना जाता है कि तोते के रंग बिरंगे पंख वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के प्रतीक हैं। दोस्तों, अगर घर में इन पांच तत्वों में से किसी भी तत्व की कमी हो, तो तोते की तस्वीर को घर में लगाने से सभी पांच तत्वों की कमी दूर हो जाती है और घर को पूर्णता मिलती है। इसलिए दोस्तों, फेंगशुई के अनुसार तोते की तस्वीर को घर में लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है।
दोस्तों, अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव या जीवन साथी के प्रति मन में अविश्वास रहता है तो ऐसे में एक जोड़े तोते की तस्वीर को पति पत्नी के कमरे में लगाना भी अति शुभ माना जाता है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि तोता प्रेम, वफादारी, लंबी आयु और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इस कारण तोते के जोड़े को पति पत्नी के बेडरूम में लगाने से उनके प्रेम संबंधों में मधुरता आती है, उनके बीच प्यार और विश्वास बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, फेंग शुई के अनुसार पति पत्नी में प्रेम संबंधों को स्थापित करने के लिए एक जोड़े तोते की तस्वीर को पति पत्नी के बेडरूम में लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार तोते की तस्वीर को घर में लगाने से घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहता है। दोस्तों, अगर आप घर में हर समय निराशा, दरिद्रता और सुखों का अभाव महसूस कर रहे हो तो ऐसे में आपको एक तोते की तस्वीर ड्राइंग रूम की उत्तर दिशा में लगानी चाहिए। इससे दोस्तों आपको जल्द ही फायदा मिलेगा, क्योंकि तोता सौभाग्य और सुख समृद्धि में भी वृद्धि करता है। इसके साथ ही तोते की तस्वीर को घर में लगाने से सभी बीमारियाँ भी दूर हो जाती हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर का माहौल भी हमेशा खुशनुमा बना रहे तो आपको भी अपने घर के ड्राइंग रूम में एक तोते की मूर्ति या तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।